अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यार वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा PMGC के रिलेटेड अपडेट्स हैं और PMWI के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं। तो वीडियो जो है वो आपने लाजमी आज पूरी देखनी है। और काफ़ी लोग जो हैं वो टॉपिक्स जो हैं वो कुछ मिस कर देते हैं और फिर वो मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि ये आपने बताया नहीं वीडियो में। तो वीडियो जो है वो लाजमी पूरा देखा करें। और हमारा ई स्पोर्ट्स का PK चैनल भी मस्त सब्सक्राइब कर दें अगर आपको ऐसे ही पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स चाहिए। बाकी वीडियो के मेन पार्ट पे जाने से पहले मैंने आपको बताना था कि पाक क्लैन बैटल इज़ बैक। तो पाक क्लैन बैटल जो है वो इस बार बिनिमो स्ट्रीमर्स शोडाउन जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसका प्राइस पूल 5 लाख रुपया और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमर्स और कम्पेटिटिव प्लेयर्स जो हैं वो आपस में कम्पीट करेंगे। तो अगर आपने इसके रिलेटेड अपडेट्स लेनी हो तो आप इनका यूट्यूब और इनका जो इंस्टाग्राम है वो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो अभी जो है हम अपने वीडियो के मेन पार्ट की बात करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है टीम IIT in PMGC। तो PMGC का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PMGC के अंदर इस दफ़ा जो है वो PMPL जो ओरिजिनल्स हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर जो है वो टीम्स को जो है वो आगे स्लॉट मिलेगी। तो जो सबसे पहले हमारा जो PMPL पाकिस्तान हुआ है उसके सुपर वीकेंड और जो उसका जो फाइनल हुए हैं उसके पॉइंट्स जो हैं वो PMGC की स्लॉट के लिए जो है वो ऐड किए जाएंगे। और जो अब PMPL होएगा कुछ दो एक एक दो महीनों तक उसके पॉइंट्स जो हैं वो उसके सुपर वीकेंड के पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे और टीम को जो है वो स्लॉट जो है वो लॉट की जाएगी PMGC के लिए। तो PMGC के लिए जो है वो टीम IIT अगर अभी के लिए देखें तो 150 पॉइंट से जो है वो लीड कर रही है। तो टीम IIT का जो है वो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो जो है वो इस दफ़ा PMGC खेलने जाएंगी। इस दफ़ा जो है वो तकरीबन 90% to 100% चांस यही है कि पाकिस्तान की एक टीम जो है वो PMGC इस दफ़ा लाजमी जाने वाली है। और अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए तो टीम IIT का ही जो है वो सबसे ज़्यादा चांस है क्योंकि दे आर लीडिंग ऑन पॉइंट्स। और टीम जो PMGC की जो क्वालिफिकेशन मेथड है उसके रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आई हैं कि इस दफ़ा जो है वो प्रोबेबल कुछ चेंजेस हो सकती हैं। तो इस दफ़ा जो अब ये दूसरा PMPL होने लगा है इसके जो फाइनल्स के पॉइंट हैं वो ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा ऐड नहीं किए जाएंगे और सिर्फ सुपर वीकेंड के पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे। तो इस दफ़ा PMPL हमारा अभी एक दो महीने तक होगा उसके सिर्फ सुपर वीकेंड के पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे PMGC की स्लॉट के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दफ़ा ये जो चैंपियनशिप्स होती हैं जिस तरह साउथ एशिया चैंपियनशिप हुई है ये सिर्फ प्राइज पूल के लिए होंगी, इससे जो है वो कोई स्लॉट जो है वो अलॉट नहीं होगी। तो PMGC के रिलेटेड जो है वो अभी मेरे पास यही अपडेट्स थी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो यार जो हमारा वीडियो का दूसरा टॉपिक है वो है एनी चांस फॉर IIT फॉर PMWI पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल के लिए अगर कोई चांस है IIT का। तो यार अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ 52x रेज ही जो है वो कन्फर्म टीम है और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 52x रेज ही जो है वो जा रही है PMWI के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट इसके अंदर ये है कि 52x रेज का आपको पता होगा कि सिर्फ जो है वो तीन प्लेयर्स हैं उनके पास, तीन जो है वो उन्होंने अभी सिलेक्ट करने हैं आई गेस। तो 52 ई स्पोर्ट्स के ऊपर टोटल ये डिपेंडेंट है कि वो किसको लेके जाते हैं। तो वो मे बी IIT के प्लेयर्स को भी लेके जा सकते हैं या फिर किसी और टीम के प्लेयर्स को भी लेके जा सकते हैं। तो ये भी जो है एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, टोटली 52 ई स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बाकी मार्केट में जो है वो एक और न्यूज़ भी आई है कि PMPL चैम्पियनशिप से जो है वो एक टीम इनवाइट की गई है, हमारे किसी पाकिस्तान रीजन की टीम नहीं है। ये क्या नाम था, न्यूज़ निकल के आई है कि किसी बाहर के रीजन की चैम्पियनशिप जो हुई है PMPL की उससे जो है वो एक टीम इनवाइट की गई है। उसका नाम जो है मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो लेट्स सी क्या बनता है PMWI के लिए, होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप हमारा इंस्टाग्राम भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स गाय PK के नेम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आप मुझे आके मैसेज कर सकते हैं और कोई भी अपडेट देनी हो तो वहाँ पे जो है आप मुझे इंस्टा पे दे सकते हैं। बाकी आप esportsnetwork.PK को भी जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो जो है वो ये सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो देते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। तो हमारा चैनल भी जो है वो आपने मस्त सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ चाहिए। अब से यार मैं ट्राई किया करूँगा कि ना रेगुलर वीडियोज़ मैं अपनी शुरू कर दूँ लाना। तो जिस जिसने यार ये वीडियो एंड तक देखी है वीडियो को जो है वो लाजमी लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।